देश की मशहूर गायिका व स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया से अलविदा कह दिया है। इनके निधन का समाचार सुनते ही पूरे देश में शोककुल हो गया है। लता के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन राष्ट्र शोक घोषित किया है। लता के निधन पर राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गज शोक। वहीं गोरखपुर की सुनीता श्रीवास्तव कुछ महीने पहले 92 साल के लता मंगेशकर के होने पर जन्मदिन के 23 मिनट पर लता मंगेशकर के 92 गाने गाकर बताया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज जैसे ही इस संस्था के लोगों ने उनके निधन की खबर सुनी, उनको यकीन नहीं हो रहा कि लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। क्या नाम है आपका? सुनीता श्रीवास्तव। सुनीता जी, स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर की आवाज आज किस तरह का भावुक पल है और क्या रोल है? बहुत भावुक पल है और जैसे ही हम लोगों ने ये सुना है, मुझे आवाज नहीं निकल रही है और हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों का भी बहुत बुरा हाल है, सब संगीत सीखते हैं। तो हम लोगों ने अपने स्कूल में कॉन्डोलेंस कर दी है और तब से हम लोग बस उनको याद कर रहे हैं और उनकी बातें कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी क्षति पहुंची है? बहुत बड़ी पहुंची है, बहुत ज़्यादा। अभी अभी हम लोगों ने उनके 92 बर्थडे पे बहुत खुशी से उनका जन्मदिन हम लोगों ने मनाया और मेरे लिए तो वो सब कुछ थी क्योंकि उनके कारण, उनके गानों की बदौलत मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ये सब कुछ उनकी देन है। 92 गानों को 23 मिनट में गा के अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मैंने उन्हीं के गानों को और मैं चाहती थी कि 93 जो उनका जन्मदिन है उस दिन 93 गानों को गाकर मैं अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूं, पर ये नहीं हो सका और इस बात का दुख मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कष्ट हो रहा है। उनकी सुबह से हमारे बच्चे सब वो गाने चल रहे हैं उनके और उनको हम याद किए जा रहे हैं और उनके लिए क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। ईशान खरे। ईशान, ये बताओ कि कितनी बड़ी क्षति पहुंची है आपको, रो रहे हो आप, कितनी उम्र है आपकी और क्या मतलब? मेरी उम्र 15 इयर्स ही है। जब मैं छोटा था तो तब से लता जी के गाने सुनते आ रहा हूँ और मैंने कई सारे गाने गाए भी हैं, उसमें मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। शुरू से मैं लता जी को सुनता था और अगर कुछ हो, मतलब जैसे अगर हमको कोई प्रॉब्लम होती थी और अगर लता जी के गाने मैं सुन लेता था तो पता नहीं क्यों वो प्रॉब्लम लगता था कुछ है ही नहीं, एकदम मतलब मन को अच्छा लगता था उनके गाने सुनकर। और आज जब मैं सो के उठा तो फिर टीवी पे न्यूज़ आई कि आज वो नहीं रही। बहुत बड़ा हीरा खोल दिया हमने अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री का।